कल शाम के टाइम जो धर्मशाला का इलाका आता है, जो रेटले पावर प्रोजेक्ट इस वक्त काम कर रहा है, कल एक डंपर का सड़क हादसा हुआ जिसके बाद वहाँ की रेस्क्यू टीम्स, जो पावर प्रोजेक्ट की रेस्क्यू टीम है और मकामी एनजीओ वहाँ पर पहुँची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया था। कल रात देर तक करीबन 1:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ जिसके चलते सिर्फ डंपर को वहाँ से बाजियाब किया गया था। उसके बाद सुबह जो उनके लवाकीन हैं, जिस डंपर उस ड्राइवर जो उसको चलाने वाला था, उसके जो उसके अपने थे, अपने जो उनके परिजन थे, वो मौके पर पहुंचे और एक ज़ोरदार एहतजाज किया। एहतजाज जिला इंतजामिया और रेटले पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ उन्होंने ज़ोरदार एहतजाज का कहना था कि कल देर रात में एक जो हमारा यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसके हमारा जो उनका अपना था कोई ड्राइवर जो था वो उनका अपना था, जिसके चलते अभी तक उसको निकाला नहीं गया, जिसके चलते उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ एक ज़ोरदार एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि रेड डे प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो जितने भी इसकी जो इंतजामिया है वो यहाँ पर नाकाम हो चुकी है। यहाँ के जो सेफ्टी रूल होता है वो इंप्लीमेंट नहीं करवाए जाते और साथ ही साथ में जो वहाँ सड़क की जो तामीर होती है वो अच्छी तरीके से नहीं। उन्होंने कहा कि जो सड़क हादसा हुआ है वो प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, जिसके चलते अभी तक उसको रेस्क्यू नहीं किया गया। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर एक जोरदार एहतजाज किया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, DSP हेडक्वार्टर ईशान गुप्ता वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद लोगों ने DC किश्तवाड़ ने लोगों को अश्योर कराया कि हम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर करेंगे और इसमें जो है जल्द अज जल्द डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो SDRF की टीम्स हैं, जनाब रेस्क्यूअर्स हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी जो किश्तवाड़ के हैं वो वहाँ पर पहुँचे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जिस डंपर को चलाने वाला जो जिसकी मौत हो गई है, जो अभी तक मिला नहीं, जिसका नाम फैज़ान अहमद है, जनाब गुलाम कादिर जो डोडा का रहने वाला था और जिस डंपर का नंबर JK08F9581 है, ये कल सड़क हादसे में जो इसकी फैज़ान अहमद जो है वो जहाँ भाग हो चुका है, मगर अभी तक जो है उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, जिसके चलते लोगों ने भी एक ज़ोरदार एहतजाज किया। उसके बाद अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। SDRF की टीमें और चनाब रेस्क्यू और रेड क्रॉस सोसाइटी पूरी कोशिश में लगी हैं कि इसको जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाएगा। क्या कुछ इस पर अपडेट्स नए आ जाएंगे, कब तक इसको रेस्क्यू किया जाएगा, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जो वहाँ की विजुअल्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अभी बहुत दर्दनाक वाकया धर्मशाला प्रोजेक्ट में हो गया है, जो कि डंपर अभी मकिंग लेकर अनलोड करने के लिए जा रहा था, तो बैक आते आते जहां पे ये मशीन लगी हुई है यहां से पलट गया और इस जगह में जो है डंपर गिर गया है। उसमें बताया जा रहा है कि दो बंदे थे, लेकिन अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चला बेचारूँगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले का ये वाकया है। ये DT आउटलेट के सामने है, मशीनें पहुंची है लेकिन अब फ़ायदा नहीं है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है।
अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं है कि दो हैं, तीन हैं, चार हैं, लेकिन सुनने में आया कि दो तीन बंदे थे इसमें। अभी क्लियर कुछ नहीं है कि कितने बंदे थे इसमें।